इस आदेश को लेकर क्या आप लोग कोई कानूनी रणनीति अपनाने जा रहे हैं? जी, दिल्ली महिला आयोग इस वक्त एक कानूनी रणनीति बना रहा है। पहली बात तो ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है कि 223 स्टाफ है। अच्छा। स्टाफ सिर्फ 90 है। आज तक महिला आयोग को इन्होंने एक भी सैंक्शन पोस्ट नहीं दी है। ये चाहते हैं कि महिला आयोग पे ताला लग जाए, क्योंकि इनको सवाल पूछने से, और वो भी महिलाओं के सवाल पूछने से, खासी बैर है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग से 223 लोगों को हटाने का आदेश जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल। स्वाति, मेरा पहला सवाल यही है कि इस आदेश को लेकर क्या आप लोग कोई कानूनी रणनीति अपनाने जा रहे हैं? क्योंकि मैं अपने आसपास देख रहा हूं, इस आयोग में काम करने वाले जो तमाम कर्मचारी हैं वो आपके साथ मौजूद हैं। जी, दिल्ली महिला आयोग इस वक्त एक कानूनी रणनीति बना रहा है, पर मेरा कुछ सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली बात तो ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है कि 223 स्टाफ है। अच्छा। स्टाफ सिर्फ 90 है, और उसमें 223 का आंकड़ा कहाँ से आया? 223 के आंकड़े को क्या आप नकार रही हैं? वो है नहीं। जी, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से नकार रही हूँ। 223 स्टाफ हमने इनसे मांगा था कि कम से कम 223 स्टाफ दीजिए, तब जाके महिला आयोग में काम हो सकता है, पर इन्होंने स्टाफ नहीं दिया। आज तक महिला आयोग को इन्होंने एक भी सैंक्शन पोस्ट नहीं दी है और कोई स्टाफ नहीं दे रखा। कितनी पोस्ट है कुल दिल्ली महिला आयोग में जिनकी जरूरत है, या कुल संख्या आप बता पाएं? देखिए, मैं तो बताऊंगी, अगर मेरी आप एडवाइस लेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम 400 स्टाफ महिला आयोग को चाहिए। अच्छा। फिर भी हमने उसको बहुत कट शॉर्ट करके 223 स्टाफ इनसे मांगा। आज तक एक भी स्टाफ नहीं दिया गया है महिला आयोग को। सिर्फ 8 स्टाफ हैं जो पहले से यहाँ पे रेगुलर कर्मचारी हैं, उनमें से कोई भी केस हैंडलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। बाकी 82 स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पे है, और वो 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट हुए हैं अलग अलग समय पर, मेनली 2015 से 2017 के बीच में। 223 लोगों की मांग आपने की थी, ये सच है? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जी, तो अब इन्होंने ना तो स्टाफ दिया, और सडनली एक ऑर्डर आया है विच आई कॉल एज अ कम्प्लीटली तुगलकी ऑर्डर, जिसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि स्टाफ पूरी की पूरी तरीके से निकाल दो। तो मुझे बताइए कि 90 स्टाफ में से अगर 82 स्टाफ निकल जाएगा तो सिर्फ 8 स्टाफ बचेंगे। 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी है दिल्ली महिला आयोग ने 8 साल में। ठीक है। इसी महिला आयोग ने 40,00,000 केसेस की सुनवाई करी है, कॉल्स की सुनवाई करी है 181 हेल्पलाइन द्वारा। 60,000 केसेस काउंसलिंग सेशंस करे हैं सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के। 2,00,000 कोर्ट केसेस में सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को असिस्ट करा है। 50,000 से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स हुए हैं, और 2,00,000 केसेस तो महिला पंचायत ने ज़मीन पे सुलझाए। अब ये टीम अगर इतना सारा काम कर रही है तो मुझे बताइए कि 8 लोग ये काम कर सकते हैं, वो भी जो कभी जिन्होंने कभी ज़िंदगी में केस हैंडलिंग नहीं करी है। दो अहम सवाल अब बनते हैं उस आदेश से। जी। पहली बात, आदेश में ये लिखी हुई है कि 2017 में एक जांच हुई थी, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। तो अगर 2017 में जांच हुई थी तो अब तक तो इन्हें स्टाफ भेज देना चाहिए था, क्योंकि ये तो इल्लीगल है, इन्हें हटाओ और आप अपना स्टाफ भेजो। तो आज तक स्टाफ क्यों नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, 2017 में कार्रवाई हुई और इतनी खराब उसका जजमेंट था तो एक्शन लेते। मैं तो 2017 क्या, मैं तो 2024 में मैंने रिज़ाइन करा, और खुद ही रिज़ाइन करा है मैंने। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तक मैं महिला आयोग में थी तब तक तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि महिला आयोग की तरफ देख भी लें, आंख भी उठा लें, और आज जब मैं महिला आयोग मैंने छोड़ दिया तो ये सारी महिलाएं, क्योंकि अभी कोई अध्यक्ष नहीं है तो इनकी बुरी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, ये कहाँ से न्याय है? ये बात भी सामने निकल कर आई है कि जो उपराज्यपाल हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उससे आपने अनुमति नहीं ली गई। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जो आपने नियुक्तियाँ की उससे भार बढ़ा, जिसका असेसमेंट नहीं किया गया। ये दोनों बातों पर आपका क्या जवाब? सर, भार क्या होता है? अगर देश की महिलाओं की मदद करी जाए, इसको हम आर्थिक भार कहेंगे? आप मुझे एक इंसान बता दीजिए दिल्ली और देश में जो ये कह दे कि महिला आयोग काम नहीं करता था। अच्छा, हमसे पहले जो चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 साल में महिला आयोग में सिर्फ एक केस करा, उनको कोई भार नहीं मानता कि तुम पूरी अपनी सैलरी लो, घर बैठो, अपना गाड़ी घोड़ा बंगला लो, वो भार नहीं है कि तुम काम ना करो, तुमने काम कैसे कर दिया, ये भार है कि ये इतनी महिलाएं जो उनमें से बहुत सारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, बहुत सारी रेप सर्वाइवर्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, ये लोग काम कैसे कर रही हैं, इनका काम बंद कराओ, अगर ये काम कर देंगे तो आर्थिक भार पड़ जाएगा। वो तरीके को गलत बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अनुमति नहीं ली फाइनेंस डिपार्टमेंट से, उपराज्यपाल से।
तो हमने तो बहुत पत्र लिखे कि अनुमति दे दो, अनुमति भी नहीं दी गई। तो अनुमति ना तो देते हैं और ये कहते हैं कि 8 लोगों से काम चलाओ। तो मुझे एक बात बताओ, 8 लोगों से महिला आयोग कैसे चलेगा? ये चाहते हैं कि महिला आयोग पे ताला लग जाए, क्योंकि इनको सवाल पूछने से, और वो भी महिलाओं के सवाल पूछने से खासी बैर है। अब क्या करेंगे स्वाति मालीवाल? आप तो गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, जेल की बात कर रही हैं, स्वाति मालीवाल क्या आप फिर से आंदोलन के रूप में आएंगी? अब तो आप सांसद भी बन गई हैं, आपका क्या आगे कार्रवाई रहेगी? सर, मैं आंदोलनकारी थी, आंदोलनकारी हूँ और आंदोलनकारी रहूँगी। जहाँ तक महिला आयोग का सवाल है, ये इंस्टीट्यूशन जब बिल्कुल ज़ीरो पे था, मैंने ईंट ईंट कर एक बहुत अच्छी टीम के साथ, बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके आज इसको यहाँ तक लाई हूँ कि पूरे देश में, विदेश में इसका डंका बजता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को मैं मरने नहीं दे सकती। दिस इज़ नॉट अ पर्सनल फाइट, दिस इज़ अ पर्सनल फाइट फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड आई विल मेक ऑल सैक्रीफाइसेस फॉर इट। एंड मैं LG साहब को बोलना चाहती हूँ, दुश्मनी मुझसे है, मैं समझ रही हूँ भाई, ब्रिजभूषण के खिलाफ मैंने स्टेटमेंट्स दिए, मैंने एक्शन लिया, मैंने राम रहीम के ऊपर बात रखी, मैं मणिपुर चली गई, तो लड़ाई तो मेरे से है ना, दुश्मनी मेरे से है। अरे ED लगाओ, CBI लगाओ, आप तो राजा हैं, जेल में उठा के डालो। अरे मैं कहती हूँ कल भी मत डालो, आज ही डालो, मैं तो इंतजार कर रही हूँ, बताओ ना कब जाना है। हम क्रिमिनल है ना इस देश में, क्योंकि रेवन्ना और ब्रिजभूषण तो इनके चहेते हैं, हम क्रिमिनल हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। मैं इनकी धमकियों से डरती नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, उनको चेतावनी दे रही हूँ कि महिला विरोधी जो इनकी सोच है ना, इसको अपने घर में रखें। स्वाति मालीवाल, तमाम उन सवालों का जवाब देते हुए जो कि उपराज्यपाल दफ्तर के ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ देखना ये होगा कि महिला आयोग के इन तमाम कर्मचारियों के लिए भी स्वाति मालीवाल का अगला कदम क्या होता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।